नॉमिनेशन के कारण हुई उमर ईशान के साथ प्रतीक और निशांत की फाइट। उमर ने कहा निशांत के फैसले को अनफेयर। बिग बॉस 15 के घर में हुई नॉमिनेशन टास्क में निशांत को स्पेशल पावर मिलने पर निशांत ने घर के सदस्य को किया नॉमिनेट, जिससे निशांत के फैसले पर भड़के जंगलवासी किया फाइट। जी हां, हाल ही में हुए नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस द्वारा दिए गए पावर का इस्तेमाल निशांत ने बाखूबी किया। बिग बॉस के आदेश के अनुसार निशांत ने घर में रह रहे जंगलवासियों में 8 सदस्य को किया सीधा घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। अब इन नॉमिनेट हुए सदस्य में जहां ईशान, मायशा, उमर को नहीं आया निशांत का फैसला रास और वो भड़क गए निशांत पर। नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म होते ही उमर और ईशान कूद पड़े निशांत पर, कहा उनका फैसला है अनफेयर, बताया कि कैसे निशांत एक साफ है जो उन्होंने 2 दिन भी जाने नहीं दिया और डस लिया उमर को, क्योंकि जिस तरह का रीजन निशांत ने दिया कि उमर और ईशान फिजिकल हुए और रूल्स ब्रेक किया, वैसा तो प्रतीक ने भी कई बार किया है, तो फिर निशांत ने प्रतीक को क्यों सेफ किया, क्यों उन्हें नॉमिनेशन में नहीं डाला जो निशांत ने उनके साथ अनफेयर किया। इसी के साथ करण को नॉमिनेशन में डालने पर सभी ने उठाया निशांत के फैसले पर सवाल, कहा निशांत ने सोच समझ कर खेला है अपना गेम कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि अगर कोई घर से नॉमिनेट होकर बाहर जाए तो वो उमर के टीम मेंबर में से कोई एक हो, जिसके कारण निशांत प्रतीक के साथ हो जाएगा उमर ईशान का एक बड़ा झगड़ा। बिग बॉस 15 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।